हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ग्रेवी वाले छोले। लास्ट टाइम पे मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने ड्राई टाइप के छोले बनाए थे, जो सूखे छोले होते हैं वो बनाए थे, और इस बार मैं बनाने जा रहा हूँ ग्रेवी वाले छोले। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर दबाना है, जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्लैक कलर के चने लिए हैं, आप लोग चाहो तो व्हाइट कलर के चने भी ले सकते हैं। साथ में मैंने देखिए 3 से 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने छील के रेडी कर लिया है। इसके बाद मैंने देखिए 4 मीडियम साइज़ के ओनियन को मैंने बारीक चॉप मार लिया है, एकदम बारीक फाइन चॉप मार लिया है। इसके बाद देखिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटो लिए हैं, इसको भी मैंने बारीक चॉप मार लिया है फाइन चॉप। और साथ में मैंने देखिए 1 इंची का जिंजर लिया है, इसको मैंने जूलियन कट में चॉप मार लिया है। इसके बाद हम तड़का रेडी करेंगे, तो मैंने कुकर रखा है चूल्हे में, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, सिनेमन स्टिक डालेंगे, और ये आ गया हमारा तेज़पत्ता। हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड कर लेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये आ गया ग्रीन चिल्ली, और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर, जूलियन कट में चॉप किया हुआ जिंजर ऐड कर लेंगे, और इसके बाद चॉप किया हुआ टमाटो ऐड कर लेंगे, और इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो चलिए मैं पहले इनको फ्राई कर लेता हूँ, हल्का लाइट फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे, इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, हल्दी पाउडर डालेंगे, ये आ गया जीरा पाउडर, ये आ गया धनिया पाउडर, के बाद डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच, और रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, और उसके बाद छोले मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, और पूरे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से भून लेना है। मसाला इस तरह से भूनना चाहिए ताकि इसका जो ऑयल है वो निकलने लग जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है, इसका ऑयल निकलने लग गया है। इसमें मैं 1 चम्मच टमाटो सॉस ऐड कर रहा हूँ, 1 से 1.5 चम्मच, थोड़ा मिठास के लिए। इसके बाद सिंपली हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे, आलू के बाद हम चने ऐड कर लेंगे, काले चने, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 4 बड़े कप पानी ऐड कर लिया है मैंने, और इसके बाद सिंपली क्या करेंगे हम इसको कुकर को कवर करके इसमें 4 सीटी लगा लेंगे, 4 सीटी में चने अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। तो चलिए, मैंने 4 सीटी लगाने के बाद इसको ओपन कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। हल्का थोड़ा इसको ठीक करेंगे, हल्का और पका लेना है आपने इसको, और उसके बाद सिंपल इसमें हरा धनिया ऐड कर लेना है, और ये आलू को आपने मैश कर लेना है करछी की सहायता से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन का जूस, और इसके बाद इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये हो गए हमारे ग्रेवी वाले छोले रेडी। गाइस, आप लोग ये छोले को चाट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे समोसे लेके उसके ऊपर ऐड करके कुछ मसाले डाल के उसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रोटी और राइस के साथ सर्व कर रहा हूँ। तो गाइस, कैसी लगेगी आप लोगों को ये छोले की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम।